इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह से आप किसी भी डिलीटेड व्हाट्सएप मैसेज को आप रीड कर सकते हैं, चाहे वह टेक्स्ट मैसेज हो, फोटोज हो या वीडियोज हो या किसी तरह के मैसेज हो, किस तरह से आप रिकवर उसको करेंगे, रीड करेंगे। चलिए जानते हैं। इससे पहले कि आपको यह एक टूल डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, यह फ्री में मिल जाएगा, कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। सब रिलेटेड मैसेज टाइप करेंगे तो प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐप आ जाएंगे, इसमें से किसी भी एक डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि मैसेज बॉक्स ओपन किया, टाइप कर रहे हैं हाय, अब टाइप करेंगे हेलो। हेलो टाइप करने के बाद हम उस ऐप को ओपन करेंगे जिस ऐप से हमने मैसेज को रिकवर करना है, और अलाउ करेंगे और यहाँ ऐप को परमिशन देंगे। परमिशन देने के बाद यहाँ हम चलते हैं उस मैसेज के ऊपर, रोहन पे क्लिक किया और यहाँ से हम मैसेज को डिलीट कर दिए जो मैसेज हमने सेंड किया था हाय और हेलो। अब हम चलते हैं बैक उस ऐप की ओर। ऐप यहाँ देख रहे हैं रोहन के नाम से मैसेज आया हुआ है और यहाँ से भी रोहन नाम है, और इसको हम क्लिक करते हैं और यहाँ देख रहे हैं हाय हेलो। तो इस तरह से आप किसी भी मैसेज, टेक्स्ट मैसेज को वीडियो ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर टाइप करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे जो कि हम यहाँ, सॉरी हम आपको दिखा रहे हैं नोटपैड में हमें लिंक टाइप किए हुए हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद क्रोम ब्राउज़र पे आएंगे, क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद यहाँ पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ बैक स्पेस लगाएंगे, स्टार को हटा देंगे और यहाँ पे कंट्री कोड टाइप देंगे, जो भी कंट्री में रहते हैं वो कंट्री कोड टाइप कर लेंगे। उसके बाद जो नंबर पे हमको मैसेज सेंड करना है जो हमारे फ़ोन में सेव नहीं है वो नंबर टाइप कर लेंगे फटाफट। टाइप करने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे, गो पे क्लिक करेंगे। गो पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस है, आप देख पा रहे हैं व्हाट्सएप से मैं इतना तरह नंबर पर मैसेज करने, मैसेज भेजे यहाँ नीचे क्लिक करें, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा मैसेज बॉक्स में, और इसमें जो भी टाइप करना चाहते हैं वो आप सेंड कर सकते हैं। और ऑनलाइन आप इस तरह से विदाउट नंबर सेव किए अपने फ़ोन में किसी से भी चैट कर सकते हैं ऑनलाइन।